पिछले 24 घंटों में भारत का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पूरी दुनिया भारत और चीन के बारे में जो बात कर रही थी वो नैरेटिव पूरा बदल चुका है, वो पूरी कहानी बदल चुकी है। पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया में गलवान के बलवानों की अब चर्चा हो रही है। भारत की सेना के शौर्य ने चीन की सेना की छवि को पूरी दुनिया में धूल में मिटा दिया है और अब पूरी दुनिया के लोग एक बार फिर नए सिरे से ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई चीन से इतना डरने की जरूरत है। चीन की जो सेना है, वैसे तो ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना है पीएलए, लेकिन पीएलए के जवान कितने कमजोर हैं, उनके शरीर कितने कमजोर हैं और वो मानसिक रूप से कितने कमजोर हैं, ये भारत के जवानों ने पूरी दुनिया को बता दिया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में पीएलए की पोल खुल गई है और पूरी दुनिया कल रात से हमारी सेना और हमारे सैनिकों के शौर्य की बात कर रही है और जी न्यूज की बात कर रही है, जिसने सबसे पहले आपको यह खबर बताई कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। ये वाकई ये दुख की बात तो है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं वो जाते जाते चीन की सेना पीएलए को ऐसा सबक सिखा कर गए हैं कि पीएलए आने वाले दशकों तक इस सबक को कभी भूल नहीं पाएगी। और पीएलए का इतना अपमान पिछले कई दशकों में, शायद वियतनाम के युद्ध के बाद पीएलए का इतना बड़ा अपमान उसके बाद कभी नहीं हुआ जो कि भारतीय सेना ने इस बार किया है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तालियां पीट रहे थे, जो ये आरोप लगा रहे थे कि चीन की सेना हमारे इलाकों में घुस आई है, जो बार बार ये कह रहे थे कि हमने सरेंडर कर दिया है। जब कोई नेता ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, जब कोई नेता ये कहता है कि भारत की सरकार ने सरेंडर कर दिया है, आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया है, हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। और ये इससे बड़ा अपमान भारतीय सेना का और भारत के जवानों का हो नहीं सकता। इससे बड़ा अपमान हमारे सैनिकों की शहादत का हो नहीं सकता कि कोई नेता यहां दिल्ली में अपने बड़े से बंगले में बैठकर ये कह दे कि भारत ने सरेंडर कर दिया है और चीन की सेना भारत में घुस आई है। इससे बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का हो नहीं सकता। और इसलिए कल रात को जब हम आपके सामने आए और पूरी दुनिया के सामने आए, आप जानते हैं जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चैनल है, दुनिया भर में 180 देशों में देखा जाता है और दुनिया के 180 देशों को कल हमने भारतीय सेना के शौर्य की वो कहानी सुनाई और बताया कि गलवान की घाटी में उस दिन क्या हुआ था और गलवान के बलवान किस लोहे के बने हुए थे। इसलिए कल से अब तक माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जो सारे लोग कह रहे थे कि सरेंडर हुआ है, उन सारे लोगों को अब अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं। इनमें से कोई अपने घरों से अब निकल नहीं रहा है, सबकी बोलती बंद है, चारों तरफ शांति छा गई है। और जो भारतीय सेना के फैन हैं, जो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, उनमें एक नया भरोसा जगा है और वो ये जान गए हैं कि जब तक भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे सामने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ही क्यों ना हो। इसलिए आज हम दुनिया के सूचकांक पर चीन के गिरते भरोसे का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आज दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक में क्या हुआ है। क्या एलएसी पर चीन अप्रैल की स्थिति में वापस जाने की बात मानेगा और गलवान घाटी में 15 जून की रात को जो कुछ हुआ उसमें अब आगे किस तरह का टकराव हो सकता है, इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की दूसरी बातचीत हुई है। और बताया जा रहा है कि यह बातचीत कई घंटों तक चली है, बहुत लंबी चली यह बैठक। गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सेना जिस तरह से गुस्से में है, क्रोधित है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि चीन को किसी भी तरह की अब आगे भविष्य में कोई रियायत मिलने वाली है। और हम आपको यह भी बता दें, आपको नक्शे पर हम बताते हैं, यह जगह मोल्डो का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट यह है, इसे कहते हैं मोल्डो, यहीं पर आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। यह जो जगह है मोल्डो, यह चीन के नियंत्रण में है और ऐसी ही बातचीत 6 जून को भी
यहां पर हुई थी। ये जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पार चीन की तरफ है। एलएसी के इस ओर भारत की तरफ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट चुशूल है और एलएसी के उस तरफ ये जगह पर है जिसे मोल्डो कहते हैं। और यहां नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पोस्ट है ये मोल्डो के मुकाबले काफी बड़ी है। आपको हम दोनों तरफ की नक्शा दिखा रहे हैं। एक तरफ चीन का एलएसी है, उस तरफ चीन है, और इस लाइन का जो एलएसी की आप ये रेखा देख रहे हैं इस तरफ भारतीय सीमा है। यहां भारतीय पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। भारतीय पोस्ट काफी बड़ी है और यहां पर आपको दो हेलीपैड्स भी नजर आ रहे हैं। ये भारत के हेलीपैड्स हैं। एलएसी पर सहयोग बढ़ाने या फिर विवाद सुलझाने के लिए इन्हीं जगहों पर सैन्य स्तर की बातचीत होती है, जो अभी हमने आपको नक्शे पर दो जगहें दिखाई हैं। लेकिन समस्या यह है कि बातचीत में जो तय होता है जमीन पर, चीन कभी भी उसका पालन नहीं करता, हमेशा धोखा देता है। क्योंकि 6 जून को मोल्डो में जो पहली मीटिंग हुई थी इसी जगह पर जहां आज हुई है, उसमें दोनों तरफ के कोर कमांडर्स ने यह तय किया था कि उनके जूनियर कमांडर्स जमीनी हालात पर बातचीत करके टकराव की स्थिति को टालेंगे। आमने सामने की स्थिति से दोनों देशों के सैनिक कुछ किलोमीटर पीछे हटेंगे। इसी मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि चीन ने एलएसी के करीब जो अस्थाई स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं उन्हें वो वहां से हटा लेगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक एलएसी के करीब कुछ निश्चित दूरी तक कोई भी स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही कोई पोस्ट वहां पर बनाई जा सकती है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद जब स्थानीय कमांडर्स के बीच कई स्तरों की बातचीत हुई तब चीन गलवान घाटी में उस अस्थाई स्ट्रक्चर को हटाने की बात मान गया था जिसे चीन ने ठीक एलएसी के सामने बना लिया था। गलवान घाटी में हिंसक टकराव इसी स्ट्रक्चर के बारे में हुआ था, इसी बात पर हुआ था, क्योंकि 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष बाबू 15 जून को यही देखने गए थे कि चीन ने वो अस्थाई स्ट्रक्चर हटाया है या नहीं। लेकिन चीन ने उस अस्थाई स्ट्रक्चर को हटाने की जगह पर नया स्ट्रक्चर और नई पोस्ट भी बना ली थी और बड़ी संख्या में अपने नए लोगों को वहां पर तैनात भी कर दिया गया था, और इसीलिए पहली जो राउंड की जो झड़प हुई वो इसीलिए हुई थी। और आपको एक बात और बता दें कि आज की जो बातचीत हुई है ये चीन के कोर कमांडर्स की रिक्वेस्ट पर हुई है, यानी चीन अब हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मिलिए और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाइए। ये भारत की एक तरीके से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी कि अब चीन जो पहले एक अजीब से नशे में रहता था, जिसे ये विश्वास था कि उनकी सेना बहुत बड़ी है, अब वही चीन बातचीत के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। और ये जो आज बातचीत हो रही है ये चीन के कहने पर हो रही है, क्योंकि चीन समझ गया कि उनके सैनिकों की क्या हालत हमने की है। अब हम आपको नक्शे पर गलवान घाटी की ठीक वही जगह दिखा रहे हैं जहां पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच 15 जून की रात को 3 राउंड की ये लड़ाई हुई थी। ये जगह एलएसी के बहुत करीब है और यहीं पर भारतीय सेना का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जिसे आप PP-14 कहते हैं, जहां आप नक्शे में इस समय देख रहे हैं। यह झड़प की असली जगह है, इसे कहते हैं PP-14। टकराव की यह जगह दौलत बेग ओल्डी रोड से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। दौलत बेग ओल्डी रोड के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये सड़क पिछले साल बनकर तैयार हुई थी और इसी रोड के बनने से चीन बहुत परेशान है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अब इस इलाके में चीन के मुकाबले भारतीय सेना का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। इसलिए वो गलवान घाटी की पहाड़ियों पर बैठकर भारत की गतिविधियों पर निगरानी रखना चाहता है। इसलिए चोटियों पर जाकर ऊंची हाइट पर उसने अपने सैनिकों को बैठा दिया, जो गैर कानूनी है। गलवान घाटी की इसी जगह पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने कम संख्या में होने के बावजूद चीन के सैनिकों की इतनी बुरी हालत की। हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं वो ये है कि चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए इस दौरान, और उनकी जो हालत थी वो ऐसी थी कि उनकी गर्दनें तोड़ दी गई थीं, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थीं। बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जिनके शरीर में कई फ्रैक्चर्स थे, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी। जब उनके शव ले जाए जा रहे थे तो बहुत सारे चीन के सैनिक ऐसे थे जिनकी गर्दनें टूटकर एक तरफ लटक रही थीं उनके शरीर से। इससे आपको पता चलेगा कि भारत के सैनिक कितने क्रोध में थे और उन्होंने कितनी बर्बरता के साथ चीन के इन सैनिकों की हत्या की है। 40 से 50 चीन के सैनिक वहां पर मारे गए हैं।
15 जून को आधी रात तक ये लड़ाई चली थी। इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे सैनिकों ने यह पराक्रम LAC की उस जगह पर जाकर दिखाया जहां पर चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ बैठा हुआ था। हमने आपको यह भी बताया था कल रात कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना के एक कर्नल को भी बंधक बना लिया था, और अब यह भी बताया जा रहा है कि उनका एक कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान मारा भी गया है। लेकिन ये जो सूचना है ये अभी अपुष्ट है। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से चीन खुद यह मांग कर रहा था कि कोर कमांडर स्तर की दूसरी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन भारत अब तक इस बात का इंतजार कर रहा था कि 6 जून की मीटिंग में जो बातें तय हुई पहले चीन उस पर क्या कदम उठाएगा यह बताए। भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि सीनियर कमांडर्स के बीच बातचीत अब तभी होगी जब चीन LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से पीछे हटेगा और बातचीत में तय शर्तों के पालन के लिए वो तैयार हो जाएगा। यानी भारत लगातार अब अपना बहुत सख्त रुख चीन को दिखा रहा है और चीन लगातार ये कह रहा है कि आप बातचीत करिए। चीन का ऐसा मनोबल पिछले कई दशकों में किसी ने नहीं तोड़ा होगा, और आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है। 1962 की हार का जो बोझ था हमारी आत्मा पर, वो लगातार हम एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तक इसी बोझ के साथ हम जीते रहते थे कि 1962 में हमारी बड़ी हार हुई थी चीन के साथ, और देश का बहुत बड़ी संख्या में देश के नागरिक और हमारे नेता भी इस दबाव में रहते थे कि चीन से जीतना तो बहुत मुश्किल है, चीन ने अगर कब्जा भी कर लिया तो हम लड़ नहीं पाएंगे। और इसीलिए पिछले 60 सालों में चीन हमारी लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुका है, और हमारी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनके सामने उन्हें आंख दिखा सकें। पहली बार ऐसा हुआ है 1962 के बाद कि हमारी सेना ने उन्हें आंख भी दिखाई है और उनकी आंखें निकाल भी ली हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है इस देश के इतिहास में।